भैया देख रहे होंगे ना, आपने कई व्लॉग्स देखे होंगे। यहाँ पर भाई रावण की मुंडी रखी हुई थी, यहाँ पर भाई रावण का धड़ घाघरा पड़ा हुआ था। तो अब भाई रावण खड़ा हो चुका है पूरा का पूरा। दिखा दे अपने दोस्तों को रावण। दिखा दूं भाई, ये चेक करो भाई। देखो हमारे सामने भाई रावण खड़ा हो चुका भाई, सुबह 5 बजे खड़ा हो चुका था। तो अभी भाई आपको मिलवाने वाले जिन्होंने ये रावण बनाया। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? मदन लाल। आप कहाँ के रहने वाले हो? बुलंदशहर के रहने वाले हो। तो पूरा रावण बनाने में कितना टाइम लग गया ये वाले को? वो सवा महीना लग गया। और क्या कोस्ट होने वाली इस रावण की? कितने बने? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए का रावण होने वाला है ये पूरा? 1.5 लाख का। और कितने बंदों की टीम है आपकी? वो है 11 आदमी की। 11 आदमी की टीम है और सवा महीने में आपने बना के तैयार कर दिया 1.5 लाख का रावण। तो और ये भाई, ये चेक करो भाई, इन्होंने रावण बनाया। इनकी 11 बंदों की टीम है और ये रावण मैं आपको आगे से दिखाने वाला हूँ। भाइयों, पूरी दिल्ली का सबसे सुंदर रावण भाई खड़ा हो चुका है इस समय मेरे पीछे। भाई इसका व्यू दिखाने वाला हूँ आप सभी को। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और दिल्ली में कहाँ से वीडियो देख रहे हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई ये चेक करो भाई, देखो कितना ज्यादा सुंदर है भाई ये रावण। और रावण का पूरा व्यू दूं ना तो भाई इसकी कारागिरी देखो भाई, कितनी सुंदर रावण है भाई। लाइटें लगाई गई है। और इससे पहले अगर आपने लाइट वाला रावण देखा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ऊपर देखो भाई, कितना ज्यादा सुंदर भाई ये रावण लगने वाला है। अभी मैं फ्लैश बंद करके आपको दोबारा से दिखाता हूँ। अब चेक करो भाई, ये देखो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है भाई। नीचे देखो जो भी डिजाइन बनाया गया है ना, उसी के किनारे पे भाई लाइट लगाई गई है। और भाई देखो कढ़ाई जैसी, जैसे आपके कपड़ों पे कढ़ाई होती है ना, वैसे भाई रावण के कपड़ों पे भी कढ़ाई की गई हुई है भाई। थर्माकोल से फिनिशिंग हो रही है। अगर किसी ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो भाई जाके जरूर देख लेना, मेरी इस रावण की मुंडी की और धड़ की और घाघरे की सब वीडियो बना रही है। और भाई अब ये खड़ा होने के बाद भाई कुछ इस तरीके का दिख रहा है। फेस की बात करें तो भाई बिल्कुल भी इतना प्यारा फेस लग रहा है भाई। मूछों का डिजाइन देखो, इधर भी बराबर है उधर भी बराबर है। और बिल्कुल ही प्यारी मूछ लग रही है, वेलवेट की मूछ है, शाइन नहीं मार रही है, बिल्कुल रियल वाली लुक दे रही है। अभी भाई देखो रात हो चुकी है, जैसे आप देख पा रहे हो भाई मेरी वीडियो में, यहाँ पर लाइटिंग जल चुकी है और इसकी भी लाइट जल चुकी है जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया। अभी और लाइट जल चुकी है लो। तो भाई धीरे धीरे करके भाई पब्लिक इकट्ठा हो चुकी है। अभी भाई दशहरा नहीं है, कल दशहरा भाई, कल ये जलने वाला है। तो जैसे ही जलेगा भाई उसका व्लॉग भी डालूंगा, लेकिन उससे पहले भाई चेक करो, अब आपको करीब लेके चलता हूँ और करीब की इसकी वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ पर होती है भाई रामलीला। अब रावण के साइड साइड में ना भाई बैरिकेड लगा दी गई, कोई रावण को टच ना कर पाए, कोई नुकसान ना कर पाए। तो भाई अब देखो भाई पास से कितना प्यारा लुक आ रहा है भाई रावण का, देख रहे हो। ये देखो भाई कितना ज्यादा सुंदर लग रहा भाई, सुभाष नगर का मेन मार्केट का भाई ये रावण होने वाला है आप सभी का। और भाई मैं आपको पास चल के भाई इसकी जूती दिखा दूं ना, ये चेक करो भाई, ये देखो ये भाई इसकी जूती होने वाली है। ये देखो भाई 12 साल के बच्चे से कंपेयर करी थी मैंने ये जूती। और ये इसकी टांगे देखो भाई, कितनी अच्छी फिनिशिंग करी गई है भाई। यहाँ पर देखो लेंस लगाई गई है और बहुत अच्छी फिनिशिंग करी गई है। अंदर से मैं दिखाऊं तो भाई कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये देखो भाई चेक करो भाई लाइटें, देख रहे हो, बहुत ही सुंदर लग रहा भाई रावण। दिल्ली का पर ऐसे रावण नहीं देखा होगा। और ये देखो भाई रावण के भाई बीच में बेल्ट भी लगाई गई है। कई रावण भाई की जब खड़े होते हैं ना तो बीच में जॉइंट दिखता है तो बहुत ज़्यादा बुरा सा लगता है, लेकिन इस बार रावण के भाई बीच में बेल्ट लगाई गई है। और देखो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। रावण को रस्सी के सहारे खड़ा किया रखा है। देखो भाई एक बल वहाँ लग रहा है, एक बल यहाँ लग रहा है, एक बल वहाँ लग रहा है, एक बल भाई पीछे लग रहा है। तो भाई रस्सी के सहारों से रावण खड़ा हुआ है। और फिनिशिंग देखो, आंखें देखो भाई रावण की कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है भाई। अगर आप रोड के उस साइड से भी देखोगे ना, अगर आप यहाँ आसपास रहते हो और घर के अंदर से भी देखोगे तो देखो भाई कितना ज़्यादा प्यारा लगेगा भाई ये रावण। और ये फ्लावर वाली भाई देखो फिनिशिंग दे रही है। इधर साइड में लेके चलेंगे तो भाई ये देखो, देख रहे भूल ही गए भाई। ये देखो भाई रावण के ताज के अंदर भाई सींग है, एक सींग इस तरफ है, एक सींग उस तरफ है। देखो भाई गौर करो आंखों से। और भाई रावण के ताज में भाई सींग है और मुंह देखो भाई कितना एग्रेसिव लग रहा है। अभी धीरे धीरे भाई शाम हो चुकी है भाई, देखो जनता यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी है रावण को देखने के लिए। लाइटें जल चुकी है और बहुत ही सुंदर रावण बनाया हुआ है भाई भाई दिल्ली वालों ने। भाई दिल्ली का सबसे महंगा और सबसे बड़ा और सबसे सुंदर रावण ये होने वाला है भाई। चेक करो भाई रावण देखो कितना ज्यादा प्यारा होने वाला है भाई। रात होती जा रही है ना भाई, इसका लाइट और इसका इफेक्ट है ना बहुत ज्यादा सुंदर आता जा रहा है भाई लोगों के आगे। और देखते देखते भाई देखो कितनी ज्यादा भीड़ होती जा रही है भाई। सभी लोग अपने अपने कैमरे से फोटो खींच रहे हैं और अपने घर परिवार वालों को दिखाएंगे। अगर आप भाई सुभाष नगर या टैगोर गार्डन के पास में रहते हो भाई जरूर रावण को देखने आ रहा है। और बहुत ही ज्यादा प्यारा रावण यहाँ पर खड़े होने वाला है।
भाई ये देखो भाई, पांच से दर्शन कर लो भाई रावण के। ये देखो भाई कितना ज्यादा ऊंचा रावण है भाई, ये बहुत ही ज्यादा, इसका धड़ी धड़ और घाघरा घाघरा इतना बड़ा है ना, ये देखो अंदर से देख रहे हो भाई, मैंने आपको अंदर से दिखा दिया भाई। अब चलते भाई सीधा घर पर और आपको मिलते हैं भाई सीधा कल। भाई ये रावण जलने वाला होगा ना तभी भाई आप कर आएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में मिलेंगे भाई, आप सभी को दिखाएंगे रावण कैसे जलता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई। अभी रात हो चुकी है और जितनी रात होती और जाएगी ना भाई, इस रावण का मजा और बढ़ता जाएगा।